साउथ अफ्रीका के जंगलों के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदौर शहर के पास ही एक ऐसी जगह है जहां पहुंचकर साउथ के जंगलों में पहुंचने का ही एहसास होता है, मानो किसी हिल स्टेशन आ गए हों। आइए हम आपको आज ऐसी जगह लिए जा रहे हैं जहां पहुंचकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इंदौर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर सुरम्य वातावरण में बड़े बड़े बांस के पेड़, जहां पहुंचकर लगता है मानो अफ्रीका के जंगल में जा पहुंचे हो। वहीं एक और कमल के फूल की खेती भी की जाती है, जिसे देखकर एहसास होता है कि सिर्फ बांस के पेड़ ही नहीं, कमल के खेत भी इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहां पहुंचने के बाद लगता है कि कहीं किसी और ही दुनिया में जा पहुंचे हों। आसमान की नीली चादर ओढ़े ये नजारा किसी हिल स्टेशन से कम प्रतीत नहीं होता। बस किसी तरह का साधन ना होने से यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जहां छुट्टी के दिनों में लगभग 100 से 300 पर्यटक आते हैं, पिकनिक मनाते हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे गांव की जहां की खूबसूरती ही इस जगह से है। लोग दूर दूर से यहां आते हैं और दिन दिन भर यहां समय बिताते हैं। अक्सर छुट्टी वाले दिनों में तो यहां की रौनक कुछ और ही होती है। लगभग 20 गांव के बीच छुपा गुलावट, जहां बारिश के बाद तो नजारा कुछ और ही होता है। बस प्रशासन की नजर पड़नी बाकी है। हालांकि कुछ समय पहले यहां एक ब्रिज का निर्माण जरूर हुआ, जो हाथोद से बेटमा गांव को जोड़ता है। और इस ब्रिज की खासियत यह है कि यह बना ही गुलावट के ऊपर है। हालांकि इसी का लोकार्पण करने आई लोकसभा स्पीकर भी इस बात से अनजान नहीं है कि ये खूबसूरती दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकती है, और ये समझते हुए ही उन्होंने इसे पर्यटन स्थल बनाने के निर्देश दिए इंदौर के निगम आयुक्त साहब को। और साहब ने भी तुरंत लोकसभा स्पीकर की इच्छा का सम्मान करते हुए इस जगह का दौरा कर लिया। परंतु साहब की बात में दम नहीं, क्योंकि जिस गति से आए उसी गति से वापस चले गए, और ये दौरे सरकारी दौरों की तरह खोखले साबित हो गए। न साहब की कोई खबर आई और ना ही उनका कोई नुमाइंदा ही यहाँ आया। ये 6 महीना हुआ करीब आया को उनको, सुमित्रा महाजन को, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। कोई आए थे कमिश्नर जी भी आए थे इसकी प्लानिंग सोचने के लिए, देखने के लिए, इसके बाद वो भी नहीं आए कोई कुछ भी। ये सन 2016 में इसकी घोषणा हुई थी पर्यटक बनने की, आदरणीय ताई जी आए थे घोषणा करके गए थे। उसके बाद में कमिश्नर साहब मनीष सिंह जी भी आए थे, उन्होंने भी बोला था कि हम इसको दिखवाते हैं और इसको जल्दी से जल्दी बनाएंगे और पर्यटक स्थल यहाँ बनेगा और यहाँ का राम दरबार मंदिर भी हम बनवाएंगे। ये प्रशासन की लेट लतीफी है जिसकी भेंट चढ़ गया गुलावट। हालांकि मौसम के कारण इस बार पूरी तरह नहीं खिल पाए कमल। जहां हर साल अगस्त के माह में खिल जाते हैं, इस बार जनवरी आ गया परंतु अपने स्वरूप में नहीं आए। शायद ये भी साहब से नाराज है, जो काम शुरू 6 महीने में होना था अब तक शुरू नहीं हो सका। लोकसभा स्पीकर के हाथों 2016 में हुआ था उद्घाटन, तभी से वीरान पड़ा है गुलावट। शायद प्रशासन भूल चुका है गुलावट को।
इंदौर से डिजियाना न्यूज के लिए पलाश राठौर की खास रिपोर्ट।